बट्ठी बोलेंगे ना अंकल इसको, दो बट्ठी बोलेंगे ना, दाल पर क्या? हाँ जी दिक्कत होगी, साग देख लो। नो 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 नहीं, कुकुर देखा दे तो गाइस आज हम, तो गाइस आप लोगों को पता है हम यहाँ पे देखना कैसे बैठे हुए हैं, कैसे बैठे हो आप? इस तो अच्छा नहीं, चार पैकेट ले आंदे मोल वहाँ खा लड़ने हम। तो भाई मैटर कुछ ऐसे हुआ कि हम आए थे यहाँ पे बिस्किट बनवाने के लिए, और यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम है, आप लोगों को दिखा दूँ कि देखो लाइन पूरी लगी हुई है, ये जो गली में आंटियाँ बैठी है ना सारी की सारी, देख सकते हो आपको वो गली में बैठी है लेडीज लोग सारे, ये सारे ना मतलब कि बिस्किट बनवाने वाले हैं भाई, बिस्किट बनवाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और हमारे आए थे सुबह पहली बार, कल भी आए थे, कल भी नहीं बन पाए और आज फिर वही काम हो गया। और पता क्या है, अभी जिस टाइम हम यहाँ से मेरे को लेके आए ना घर से, ये तो हम आए फिर इनसे पूछा उस टाइम कितना नंबर, 14 नंबर था, तो एक डेढ़ घंटा हम लगा के आ गए। अभी हमारा चल रहा है यहाँ पे चल रहा है 16वां नंबर, तो अभी हमारा नंबर पता नहीं कब आएगा, अभी हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, हम परेशान हो चुके जी। जिसको बिस्किट खाने हैं मेरे घर आ जाना आप, ठीक है, चाय के साथ खाएंगे फिर, है ना जी। तो जी बहुत देर बैठने के बाद जब हमारा नंबर नहीं आया, तो डॉक्टर साहब ने मुझे बोला कि तू ना अंदर जाके एक बार अंदर का व्यू देख क्या है कैसा है, और भी बहुत सारी लेडीज़ वहाँ पे बैठी हुई हैं, तेरे को कंपनी भी मिल जाएगी, नहीं तो यहाँ बोर हो जाएगी बैठे बैठे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था। तो ये आंटी आई भाई, इन्होंने दिया सबसे पहले इनका नंबर था पता नहीं 16-15 कुछ ऐसे था, हमारा तो 19 था, तो इसलिए बहुत टाइम लग रहा था। यहाँ पे पता क्या होता है, आटे का सिस्टम है कि अगर किसी का 2.5 किलो 2 किलो तो जल्दी बन जाएंगे, अगर 5-6 किलो 7 किलो 10 किलो आटा है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इन आंटी और का था वही 7-8 किलो आटा, 10 किलो मैक्सिमम इन्होंने बनवाया था, तो इसलिए बहुत टाइम लग गया था इन लोगों के बिस्कुट बनाने में ही। और ये इधर जो भैया है ये कर रहे हैं अभी यहाँ पे मिक्स, यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने डाला था ये पीसी हुई चीनी, बूरा, देसी खांड, जो भी इन्होंने डलवाई होगी वो, दूध और साथ में बर्फ और आटा जो मशीन के अंदर डाल दिया था मेल्ट होने के लिए, और मेरे को पता नहीं उसमें दूध ही डाला था मेरे ख्याल से, तो क्योंकि पानी तो डालते नहीं है ना, दूध साथ में लेके जाते हैं। और भी बड़ा ही साफ सुथरा सफाई से काम हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को पूरी रेसिपी दिखा दी जाए, तो पूरी तो जहाँ तक मेरे से हो सका मैंने दिखाने की कोशिश की है। तो कुछ इस तरह से ही बनाए जाते हैं यहाँ पे बिस्किट, और ये बड़ा सा कढ़ाया सा पता नहीं क्या रख रखा है इन्होंने, इसके अंदर इसको मिक्स कर देते हैं और जो बचा हुआ आटा था फिर इसके अंदर डाल देते हैं, और इसको थोड़ा सा मतलब टाइट रखते हैं जैसे मशीन के अंदर चला जाए, और फिर उसके बाद जो बनाने में ना आसानी हो जाती है, ज़्यादा हार्ड होता है ये ना ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो कुछ इस तरह का जो वो है डो तैयार करते हैं इसका। और ये देख लो भी कितने अच्छे से मिलाया जा रहा है, बहुत मेहनत का काम है, बाकी बहुत ज़्यादा काम भी बहुत है इन भैया और के पास, पर ये ना मतलब नंबर वाइज 30 नंबर लेते हैं एक दिन में, जैसे 1-2-3 से लेके और 30 तक ही, इतना ही काम करते हैं ये लोग। तो मेरी बात भी हुई थी, उन्होंने बताया था कि इनकी जो शॉप है ना सन 1982 से है, और 45 साल हो गए इन भैया और को, और जो अंकल है एक मैं दिखाऊंगा आप लोगों को आगे व्लॉग में, तो 45 साल से अपना खुद का काम है इनका, और बड़ा ही साफ सुथरा काम है। अभी जो कुरुक्षेत्र से विजिट करते हैं वो लोग तो बनवा ही सकते हैं, हम तो अब मैक्सिमम जब भी बिस्किट बनवाया करेंगे यहीं से बनवाया करेंगे। और देख लो भैया, मुझे तो पता ही नहीं था क्योंकि मैं पहली बार आई थी ना, इन आंटी और के बन गए थे हमसे पहले, और ये डाल रहे थे जैसे कोई पिपा लेके आया हुआ था, ड्रमीज वगैरह लेके आए हुए थे साथ में बर्तन, तो मुझे पता नहीं था इसलिए मैं तो कुछ भी नहीं लेके आई थी। फिर आ गया था जी फाइनली 18 नंबर, और इन आंटी का नंबर था जो 18 था, फिर मैंने इनको बुलाया, मैंने कहा हमारा नंबर आने वाला ही आप आ जाओ। फिर उसके बाद एक आंटी आई, उनको ना उन्होंने बोला कि मुझे ना चाय पीनी है, मेरे को तो ना तबीयत सी ख़राब है, तो इन भाई और ने बोला कि गैस रखी, चूल्हा रखा, चीनी पत्ती सब कुछ रखा है, आप लोग बना के पी सकते हो, क्योंकि सुबह सुबह आए होंगे सब और दोपहर के 2:30-3 बज गए थे। आप कहाँ था रहे आंटी? आलम पर था, हम तो कॉलेज कॉलोनी में था रहे, वो तो दयाल पर क्या? हाँ जी कहीं बन गए,
तुझे बिस्किट बनते हुए तो मैंने आप लोगों को दिखाई दिए थे, अब देखते हैं कि ये सेक के कैसे जाते हैं। तो सिकाई देख लो इनकी कैसे हो रही है, बिल्कुल नेचुरल और पुराने जमाने के तरीके से, इतना बड़ा मतलब कि भट्टी बनाई हुई है कुछ इस तरीके से मिट्टी की और लकड़ी पे सिकाई होती है। सबसे बेस्ट बात है इन बिस्किटों की, क्योंकि इनकी जो सिकाई है ना वो लकड़ी की आँच पे हो रही है, तभी बहुत ज़्यादा कुरकुरे और टेस्टी है। आप लोगों को पता ही है अभी चूल्हे की चीज़ तो वैसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो मेरी बात हुई इन अंकल से, तो इन्होंने, मैंने इनसे पूछा था कि आप लोग कब से यहाँ पे काम कर रहे हो, तो मैं शॉक्ड हो गई भाई सुन के। उन्होंने बोला बेटा मैं काम नहीं कर रहा यहाँ पे, ये हमारा ही काम है और 1982 से हमने शुरू किया था, 45 साल हो गए हमारी दुकान को मतलब यहाँ पे काम करते हुए हमें। और बहुत अच्छे साफ सुथरे तरीके से बनाए जाते हैं बिस्किट भी, और बहुत अच्छे लोग हैं अभी नेचर वाइज भी अंकल। और और एक बात और बताऊँ आप लोगों को, जो ये काम है ना बिस्किट बनाने का, इन अंकल ने शुरू किया था जो बिस्किट बना रहे हैं इस साइड में, और इन्होंने बताया था कि ये हमने 12,000 रुपये में शुरू किया था उस टाइम पे। और आप देख लो भाई किस तरीके से कमाई हो रही है, काम की कोई कमी नहीं है, भीड़ लगी रहती है इनके घर के आगे, घर भी यहीं पर, और मतलब कि इन्होंने काम भी यहीं पर कर रखा है अपना, बहुत अच्छा काम। अभी करने वाले के लिए देखो कोई कमी नहीं है काम की, सिर्फ अपने माइंड के साथ कर रहे हैं सारा कुछ काम। आजकल के अंकल ने एक बात अच्छी बोली कि आजकल के बच्चों का माइंड ना मोबाइल ने ख़राब कर दिया, माइंड से तो काम करते नहीं है। तो मुझे भी वो बात बहुत अच्छी लगी, तो बात भी सही है। बेरोज़गारी बोलते हैं आजकल के जो लड़के हैं, जो मतलब जिनको काम की बिल्कुल ही है, अभी काम है नहीं, काम ही नहीं है, काम ही नहीं है, अभी काम करने वाले के लिए बहुत काम है अगर कोई करना चाहता है तो। जी पूरा दिन वेट करने के बाद जो हमारा नंबर आ जाता है फाइनली, मुझे बहुत खुशी होती है। 18 नंबर के बाद 19 नंबर हमारा आ चुका था, और मैं इन भैया को दे देती हूँ सारा हमारा जो सामान था। हमारा जो सामान था 2.5 किलो आटा था, 1 किलो का घी का पैकेट था, और 1 किलो था हमारा दूध, और 1 किलो देसी खांड। तो कुछ सामान जो इन्होंने अपनी तरफ से मिक्स किया था कुछ कुछ ग्राम, तो उसके हमने इनको पैसे देने थे। और बाकी देखते हैं अभी हमारे बिस्किट कितने बनेंगे, किस हिसाब से बनेंगे। और ये लोग ऐसे ही करते हैं, अभी बुलाते हैं अपने पास, बोलते हैं अभी अपना सामान खोल के दे दो नंबर वाइज, और फिर दिखाते हैं अभी हम इस तरीके से आप लोग कितने सामान के बिस्किट बना रहे हैं कुछ इस तरह से। और मुझे तो पता ही नहीं था, अगर हमें पता होता तो यहाँ पर सब लोग अपने लिए खाना वाना भी लेके आए, हम तो सुबह से भूखे बैठे थे यहाँ पर, सुबह ही खाना खा के आए थे और दोपहर के 3 बज चुके थे। और फाइनली हमारा नंबर आ गया तो मुझे बहुत खुशी हुई, तो मैंने इनके पास फ़ोन किया था, मैंने कहा आ जाओ आप, हमारा नंबर आ चुका है। फिर मैंने किसी के हाथ में फ़ोन दे के अपनी वीडियो शूट करवाई थोड़ी सी, आप लोग देख ही सकते हो हमारा आटा है जो मिक्सी के अंदर जा चुका है, जो घूम रही है। और फिर यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि बिस्किट बनाते हुए इन अंकल को भी किस तरीके से मेहनत करके काम कर रहे हैं। और फिर जो 18 नंबर वाली आंटी थी, पता नहीं 17 नंबर वाली आंटी थी शायद, उनका जो बन के सामान आ चुका है। और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ बड़े ही कुरकुरे कुरकुरे से बिस्किट, देख लो भाई। मेरा तो मन कर रहा था कि गर्मा गर्म से मैं खा ही लूँ, पर नहीं खाएंगे भाई, जब हमारे बने जाएंगे फिर घर जाके अच्छे तरीके से कॉफ़ी के साथ खाएंगे या चाय के साथ। तो आप लोग देख लो कुछ इस तरह से ट्रे आती हैं, और इनको ऐसे ठंडा करना होता है क्योंकि भट्टी में से आती है। फाइनली हमारे बिस्किट भी जो बन के आ चुके थे, और ये ट्रे थी हमारी, इतने बिस्किट बने थे 2.5 किलो आटे में। तो फाइनली हमारी जो पैकिंग हो चुकी है बिस्किट की, तो जी ये है हमारी बिस्किट की पेटी, और इधर फिर हमें लग गया थी जी गन्ने का जूस, डॉक्टर साहब ने जूस बनवा लिया गन्ने का। तो अभी भीड़ देख लो कितनी ज़्यादा है रोड पे, शाम के पूरा 4 बज गए थे हमें भी आते आते, क्योंकि आप लोगों को मैंने पूरा व्लॉग दिखाई दिया कि कैसे भाई, मेरे को जिस टाइम मैं गई ना मुझे फील हुआ, मैंने उन लोगों को बारे में बोला थोड़ा सा कि यार इतनी जल्दी नहीं देते हैं, हम लोग मोल का खा लेंगे यार, लेकिन टेस्ट ही नहीं में है, अच्छे बनाए थे, पूरा साफ़ सुथरा काम था। और आप लोगों को भी खिलाऊँगी मैं जिस टाइम खाऊँगी उस टाइम, आप लोग के लिए पहले भगवान जी को भोग लगाएंगे। रास्ते में से हमने ले लिया था पनीर और साग, तो आप लोगों को मैंने दिखाया था कि सुबह बनाया था, ये देखो ये बनाया जी मैंने आज साग और पनीर, और मेरे बच्चे इतने खुश हो रहे हैं ना खा के, 1 नंबर का बन रहा है, देखो उनके रिएक्शन दिखाती हूँ मैं। ये मैंने साग डाल दिया, और साग के अंदर डाल देंगे हम प्योर घर का बनाया हुआ देसी घी, और अब लेके चलते हैं अंदर।
क्या दिक्कत होगी? तो जी साग बड़ा टेस्टी बना हुआ है आज तो। पनीर दे, पनीर छांट छांट के लग रहा है खान देगी। पनीर है ना जी, इस मजा करके टेस्टी लग रहा है ना जी। क्या चाहिए आपको? आपको क्या चाहिए? रोटी? तो रोटी रख दो मीना में। तो चलो जी, बच्चे भी खा ले खाना, मैं भी खाऊंगी, मुझे भूख लगी हुई है भाई। आज तो साग पनीर है, स्पेशली पनीर मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, आप सबको पता ही है। तो मैं साग पनीर के साथ चावल, साग चावल रोटी खाएंगे और काम वाम निपटाऊंगी भाई। दिवाली के आप लोगों को पता ही है, अभी दिवाली आ चुकी है, कुछ ही टाइम में तो हम डेकोरेशन का सामान भी लेके आए थे, आप लोगों को दिखाया नहीं था ना मैंने, तो ये लेके आए हैं जी हम सामान। देख लो आप सब, ये माला है और ये कुछ रंगोली बनाने का है, जैसे रंगोली वगैरह बनाते हैं ना आजकल, तो ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई हैं ना कि सब कुछ चीज़ों का हमें समाधान मिल जाता है भाई। शुभ दीपावली की जो रंगोली है वो मिल गई मेरे को, एक रंगोली ये लेके आई हूँ, एक माला ये लेके आई हूँ भाई। इनका तो स्टॉक ही ख़त्म होने को हो गया था, बस लास्ट 20 पड़े हुए थे तो हम ले आए। फिर है जी ये रंगोली का कलर, रंगोली ये देखो स्वागतम। और जी धनतेरस पे लगाएंगे पैर माता के। और ये कुछ सामान मैं लेके आई थी, आप लोग भी बताना कमेंट में भी आप क्या क्या लेके आए हो, ठीक है? और मिलती हूँ मैं बाद में, क्योंकि डेकोरेशन को भी आप लोगों को दिखाऊंगी सारा कुछ। तो चलो जी मिलते हैं बाद में। बाकी मेरे को इनकी बड़ी तमन्ना थी, बहुत टाइम से सोच रही थी मैं माला लेने के लिए, तो फाइनली हम ले आए। और इस बार इतना कुछ लेके आया, नेक्स्ट बार इससे भी और ज़्यादा कुछ अच्छा लेके आएंगे, दिखाएंगे आप लोगों को। मिलते हैं बाद में।